पता है आज का भगवत कथा, ठीक है? चैप्टर नंबर 8। मैंने एक फाइल बना ली है 8 जावास्क्रिप्ट नाम से, स्क्रिप्ट टैग भी ओपन कर लिया है और क्लोज कर लिया है। पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स। इफ पढ़ लिया था, एल्स पढ़ लिया था, नेस्टेड इफ एल्स पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना है लेडर एल्स इफ, ठीक है? एल्स इफ पढ़ने का, ठीक है? तो एल्स इफ हमें पढ़ना है, राइट? तो एल्स इफ हमें बताने से पहले मैं नेस्टेड इफ एल्स ही बताता हूं, क्योंकि नेस्टेड इफ एल्स का ही के ही जैसा है एल्स इफ, करेक्ट? तो मैं क्या करूंगा, मैं एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाना चाह रहा हूं अभी, जिसमें कि हम महीने का नंबर डालें तो महीने का नाम हमें दे दे प्रिंट करके। तो उसके लिए एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं MONTH और असाइन कर दूंगा 1, और फिर लिखूंगा मैं इफ मंथ इक्वल इक्वल 1। अगर इक्वल इक्वल 1 है तो क्या करो, कंसोल डॉट लॉग और इसमें पास कर दो JANUARY, जनवरी। मेरा स्पेलिंग सही है ना? else में फिर इफ मैं चेक करूंगा यहाँ पे MON मंथ इक्वल इक्वल टू 2। अगर मंथ 2 है तो क्या करो, फरवरी कर दो। तो मैं यहां पे कर दूंगा फरवरी, फेब्रुवरी। ये स्पेलिंग गलत होगा तो आप मन में गालियां मत दीजिएगा, क्योंकि हमारा अंग्रेजी इतना अच्छा है कि हम क्या कहें। इक्वल टू इक्वल 3 कर दूंगा मैं, और MARCH मार्च कर दिया। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एल्स इफ, मैंने कर्ली ब्रेसेस देके फिर यहाँ पे इफ चालू करूँगा, और यहाँ पे एमओ मंथ इक्वल इक्वल टू 4 करूँगा। APRIL अप्रैल। तो मैं इससे ज़्यादा महीने का नाम नहीं लिखता हूँ, मैंने मंथ में 1 असाइन कर रखा है, मतलब फरवरी प्रिंट हो जाएगा। और मैं राइट क्लिक करूंगा, कॉपी फाइल पाथ करूंगा, ब्राउजर ओपन करूंगा और पेस्ट करके चला दूंगा प्रोग्राम। चलाया, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करा मैंने, और आप देख पाएंगे तो यहाँ पे जनवरी प्रिंट हो गया है। विंडोज राइट एरो दबा के इसको मैंने इधर शिफ्ट करा और टेक्स्ट एडिटर पे फोकस करा, विंडोज लेफ्ट एरो दबा करके इसको इधर शिफ्ट कर दिया। इसको मैं कर लूंगा थोड़ा ऐसे, इसको और मैं इधर करूंगा। नहीं, जनवरी थोड़ा ज्यादा हो गया, जनवरी प्रिंट हो गया। अब मैं 1 को मैं 3 कर देता हूं तो जाहिर सी बात है आ जाना चाहिए नंबर वाला, तो मार्च आ गया। तो इस तरह से हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया जिसमें कि महीना हम मंथ के अकॉर्डिंग जो है चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 4 डाल दूं तो यहाँ पे आ जाएगा अप्रैल। अगर आप देखेंगे इसको ध्यान से तो मैं इस तरह से कोड लिखा हूं, इसमें कुछ इस एक्स्ट्रा ब्रैकेट वगैरह है उसको हटा दूं क्या मैं, जैसे ये है। अब मैंने इसको सेव करके एंटर करा तो ही आ गया अप्रैल। तो एक्स्ट्रा जो कर्ली ब्रेसेस है मैंने इसको हटा दिया। आप जानते हैं कि सिंगल लाइन अगर स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस देने का जरूरत नहीं है, तो मैंने ये कर्ली ब्रेसेस हटा दिया। सारे कर्ली ब्रेसेस मैंने हटा दिए जहां पे सिंगल लाइनर लिखा था मैंने। अभी मैं प्रोग्राम चलूंगा,
रन करूंगा तो सेम आउटपुट आएगा। अब क्या करूंगा मैं कि यहां पे जो करली ब्रेसेस है इसको भी मैं हटाया, स्पेस का तो कोई मतलब नहीं है ना, ये जो फालतू स्पेस है जो मैंने सिलेक्ट करा है इसको मैंने गायब कर दिया, स्पेस दिया हटा दिया मैं। फिर यहां पे जो स्पेस है इसको हटा करके मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो ऐसा हो गया। दो ठो करली ब्रेसेस मैं कम कर दूंगा इधर से भी, ये ऊपर भी ये करली ब्रेसेस है इसको भी मैं गायब करूंगा और एक्स्ट्रा स्पेस हटा दूंगा। तो ये देखिए बन गया हमारा else if इस तरह से। इस तरह से हमने कंसोल डॉट लॉग में लिख लिया। अब एक कौन सा रूप है इसको का, इसको लेडर else if बोला जाता है। तो आप अगर देखेंगे तो ये नेस्टेड इफ एल्स का ये एक रूप है अलग से। अब बोला ये जाता है स्टैंडर्ड ये है कि बहुत ज्यादा अगर लाइन हो आपका कंडीशंस बहुत ज्यादा हो तो इस तरह से else if नहीं लिखना चाहिए, इस तरह से else if नहीं लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है स्लो काम करने लगता है, स्लो काम करता है ऐसा बोला जाता है। और इसमें से सारा कंडीशन, इसमें से कोई भी कंडीशन एक ही बार चलेगा। यहाँ पे आके मैं else लगा देता हूँ एक, और यहाँ पे डिफॉल्ट मैंने कुछ प्रिंट कर दूंगा invalid, क्योंकि यहाँ पे 12 तक महीने होते हैं आप 12 तक लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे कोई बंदा 15 डाल दिया, 15 डालने के बाद जो है चलाए प्रोग्राम तो इनवैलिड आ जाएगा यहाँ पे। तो इसीलिए else केस में हम ये लिख देंगे। तो ये हमारा है else if का एग्जाम्पल। तो बहुत ज्यादा और ज्यादा कंडीशन होगा तो क्या हम बढ़ाते जाएंगे? नहीं, हम और ज्यादा कंडीशन होगा तो नहीं बढ़ाएंगे। स्टैंडर्ड ये कहता है कि 3 ठो कंडीशन आप लिख सकते हैं, 2 या 3, मैक्सिमम 3 लिखिए। मैक्स 3 से अगर ऊपर हो कंडीशन तो आप इस तरह से else if ना लिखें। तो क्या किया जाए, तो इसके लिए दूसरा स्टेटमेंट हमें कंट्रोल स्टेटमेंट दिया गया, उसको बोला जाता है स्विच केस।